पंतनगर में बनने जा रहा है ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट पर भाजपा के वरिष्ठ नेता एवं पंतनगर एयरपोर्ट अथॉरिटी सलाहकार समिति के सदस्य हेमंत नरूला ने केंद्र और राज्य सरकार का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि क्षेत्रवासियों की बहुत बड़ी मांग पूरी होने जा रही है। यहां अपने कार्यालय पर आयोजित प्रेस वार्ता में भाजपा के वरिष्ठ नेता एवं पंतनगर एयरपोर्ट अथॉरिटी सलाहकार समिति के सदस्य हेमंत नरूला ने कहा कि केंद्र और राज्य सरकार की विकास की नीति से उधम सिंह नगर जिले के पंतनगर में ग्रीन फील्ड एयरपोर्ट बनने जा रहा है, जिससे स्थानीय युवाओं को रोजगार ही नहीं पर्यटन व प्रदेश सरकार की आय में भी वृद्धि होगी। मैं इसमें ये कहना चाहूंगा कि अभी हमारे सैंक्शन तो मिल चुकी है अभी हमारे को, और बहुत जल्दी ही केंद्र सरकार ने भी, नागरिक उड्डयन विभाग ने यहाँ से सारी जितनी भी रिपोर्ट्स हैं सब मांगी हैं, और काफ़ी समय पहले ही लगभग 900 करोड़ रुपए वहाँ से रिलीज भी हो चुका है, प्रदेश सरकार के पास आ चुका है, और मेरी को लगता है कि बहुत जल्द ही संभावना है कि इसमें यहाँ पर धरातल पर काम शुरू होगा। इसमें कोई दो राय नहीं है कि ये यहाँ अगर अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे अगर आ जाता है तो क्षेत्र में विकास तो होगा होगा ही, और यहाँ पर लोगों का जीवन शैली भी बदलेगी, और यहाँ पर मुझे संभावना है कि बहुत अच्छा विकास होने की संभावना लगती है। देखिए, कई जगह पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने माननीय हमारे नरेंद्र मोदी जी का जो एक व्यू है, एक सपना है, उनका जो टारगेट है कि विकास की गति को बढ़ाना है, और अभी गुजरात में भी कई एक दो एयरपोर्ट बने हैं, वहाँ भी जहाँ जहाँ एयरपोर्ट नहीं है उसके साथ साथ ये सब विकसित किया जा रहा है, और बड़ा अच्छा फंड भी वहाँ से ये रिलीज हो रहा है। ये 2400 करोड़ रुपए का लगभग यहाँ पर केंद्र सरकार का जो वो है योजना है, और बहुत जल्दी ही ये धरातल पर काम होना शुरू हो जाएगा, और आपको लगेगा कि यहाँ क्षेत्र के विकास की गति बनी है।